हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे क्वेश्चन MEC 103 का असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 2 का बी का पार्ट हम आज देखेंगे। क्वेश्चन है द कंसंट्रेशन ऑफ इम्प्यूरिटी इन अ सेमीकंडक्टर यूज इन प्रोडक्शन ऑफ माइक्रोप्रोसेसर फॉर अ कंप्यूटर इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद अ रैंडम वेरिएबल विद अ मीन हमें दिया हुआ है 127 एंड 127 पार्ट पर मिलियन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है 22। अ सेमीकंडक्टर इज एक्सेप्टेबल ओनली इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इम्प्यूरिटी इज बिलो 150 पार्ट पर मिलियन। ओके, सेमीकंडक्टर को तभी एक्सेप्ट किया जाएगा यूज़ करने के लिए जब उसके जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इम्प्यूरिटी रहेंगी वो 150 पार्ट पर मिलियन के बिलो रहेगी। ओके, सो द व्हाट इज़ द प्रोपोर्शन ऑफ सेमीकंडक्टर आर एक्सेप्टेबल फॉर यूज़। तो हमको निकालना है कितना प्रोपोर्शन सेमीकंडक्टर का यूज़ करने के लिए एक्सेप्टेबल किया जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास जो गिवन था म्यू मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन था हमारे पास 22 और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इम्प्योरिटी बिलो 150 जो था ये हमने लिख लिया है। ठीक है, बट अभी हमारे पास इस क्वेश्चन में एक छोटा सा प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे जो हमें जेड दिया हुआ है 1.5 ये जो वैल्यू है ये करेक्ट नहीं है, ये रॉन्ग है। ये रॉन्ग क्यों हो सक क्यों है क्योंकि अगर आप इसको पढ़ना चाहेंगे इसके बारे में तो ये आपको मिल जाएगा ब्लॉक नंबर 5 में, पेज नंबर जो है वो 86 में आपको इसके बारे में मिल जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास जेड निकालने के लिए फॉर्मूला होता है। ओके, और फॉर्मूला हमारा इस तरह से एक्स माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारा इसका आंसर आता है 1.045 और इसको हम अप्रोक्सीमेट करने पे हमारा आंसर आता है 1.05। ठीक है, तो हमारा 1.5 जो है ये वैल्यू नहीं हो सकती, उसके ये प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ होगा। इसका आंसर रहेगा 1.05। और इसके अलावा इसके पहले का ईयर का जो क्वेश्चन है असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर है उसमें भी सेम क्वेश्चन पूछा गया और वहाँ पे आपको ये वाली वैल्यू मिलेगी जेड के लिए। ठीक है, तो हम ये जो क्वेश्चन यूज़ सॉल्व करेंगे वो इसी वैल्यू के अकॉर्डिंग करेंगे। ठीक है, सो जो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा जो नॉर्मल कर्व बनेगा वो इस तरह से बनेगा। नॉर्मल कर्व ये हमारा म्यू है, म्यू हमको दिया हुआ है 127 मीन, और मीन जो है नॉर्मल कर्व में मीन मीडियन मोड जो होता है वो सेम होता है। और ये मीन जो रहेगा ये हमारा सेंटर में रहता है और मीन के इधर का में 50% रहेगा और इसके इधर भी कितना रहेगा 50% रहेगा। और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इम्प्यूरिटी जो हमको दिया हुआ था वो कितने के बिलो एक्सेप्टेबल रहेगा 150 के बिलो। इट मीन्स व्हाट कि हमारा जो सेमीकंडक्टर रहेगा वो एक्सेप्टेबल कितना रहेगा, इतना ही पोर्शन का रहेगा। ठीक है, तो हमको जो निकालना है प्रोपोर्शन ऑफ सेमीकंडक्टर एक्सेप्टेबल फॉर यूज़, इसका मतलब हमको ये वाला पोर्शन, ये पोर्शन और ये पोर्शन को ही क्या करना है, ऐड करना है। अब इस पोर्शन की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, प्रोपोर्शन निकालना है हमको यहाँ पे, तो इसकी ये कितना रहेगा 50% रहेगा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0.5 हो जाएगी। और इसकी जो वैल्यू है इस पोर्शन की वैल्यू हमें यहाँ दी हुई है 0.3531। ठीक है, हम इन दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो हमको मिल जाएंगे प्रोपोर्शन ऑफ सेमीकंडक्टर एक्सेप्टेबल फॉर यूज़, इसको हम ऐड इस तरह से करते हैं। ओके, तो ये हमारा आ जाता है 0.8531। ठीक है, अभी इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, हम 100 से, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 85.31। मीन्स वॉट कि हमारा 80 अप्रोक्सीमेट इसका वैल्यू क्या आएंगी, 85% जो है सेमीकंडक्टर का वो यूज़ वो एक्सेप्टेबल रहेगा। थैंक यू।